घी को पहले अच्छी तरह व्हाइट मक्खन की तरह फेंट लेना। हाँ गुड न्यूज़ है नहीं है। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मे अल्लाह पाक सेव अस ऑल फ्रॉम बैड डीड्स एंड इविल आइज, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब मेरे इन लॉज वापस जा रहे हैं। तो जाहिर है कि इतना वक्त साथ गुजारने के बाद अब एकदम से उदासी हो जाएगी। मगर उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मदर इन लॉ की मज़ेदार सी नान खटाई की रेसिपी, जो बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी है, और इसे ट्राई करके आप बेकरी की नान खटाई को भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस घी को गर्म करके फ्रिज में रख दिए। सही है। जब ये जम गए, फ्रिज में नहीं, हमने फ्रीजर में रखा था। एक कप के जब जम जाए इसको यूं करके हम डालेंगे इसमें। चम्मच डाल। तकरीबन 250 ग्राम के जितना घी था एक कप, और उसको हमने बॉईल करके और फिर कप में डाल के ठंडा करके हमने फ्रीजर में रख दिया था। और तकरीबन आप 24 आवर्स के लिए भी रख सकते हो। हमने वैसे 2 डेज रखा था। मैंने ये घी डाले। घी के बाद हम इसमें 12 चम्मच चीनी डाले। 12 चम्मच चीनी। ये चीनी और घी को पहले अच्छी तरह वाइट मक्खन की तरह फेंट लेना, और इतनी सी ये सबज अच्छी का पाउडर। अब अच्छा सा पेस्ट बन जाए, मक्खन बन जाएगा। चीनी और घी और छोटी इलायची का पाउडर हम इसके अंदर मिक्स किया। इसको इतना फेंटेंगे ये फ्लफी हो जाएगा। अगर किसी के पास हैंड ग्रेटर है तो उससे भी पीस कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे कर रहा। मैं तो नाजिया इसको ले के ना बैठ जाती हूँ, और जितना हो सके टाइम मिले फेंटती रहती हूँ। जितना फेंटेंगे उतना टेस्ट अच्छा। बटर घी है यहाँ पे ना, तीन तरह के घी मिलता है, एक बटर घी, एक वेजिटेबल घी और एक काऊ घी है। अच्छा। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ये हम बटर घी यूज कर रहे हैं। अच्छा। मैं 16 चम्मच ले रही हूँ मैदे के। ठीक है, 16 चम्मच मैदे के हम इस पर छन्ने में डाल रहे हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से हम छान लें। 16 चम्मच को हम इसी तरह छान लेंगे, और इसी के अंदर बेकिंग पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच मीठा सोडा, वो भी छान लेंगे। जो मैदा छाना है उसी के अंदर हम बेसन डाल रहे हैं। 3 चम्मच बेसन। बेसन को भी उसी तरीके से छान लेंगे जैसे मैदे को छाना है। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच। और ये इतना ये है मीठा 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच थोड़ा सा कम मीठा सोडा। तो भी खुशक को मैदे में छान लेना। ठीक है, इलायची पाउडर मैंने डाल दिया था। हाँ,
ये चौड़ी नहीं होती जानी, ट्राई कर सकती है ये, इसी में इतनी ही शेप की रहेगी बस, ये बेक हो जाएगी ना। हाँ, ये चौड़ी नहीं होगी, फूलेगी ऊपर, फूलेगी फैलेगी नहीं, फैलेगी। जो थोड़े बड़े ना उन पे मतलब दो होते हैं। हाँ वो लंबे वाले पे रखना है। हाँ और ये अब ये कितनी देर के लिए रखना? आपने 50 सेकंड स्टडी के रेट किया ना? मैंने किया, मैंने 200 डिग्री पर रखा। ठीक है, वो गर्म हो गया, वो तुमने 15 कर दिया। सही तो मज़े की नान खटाई हमारी बन के रेडी हो गई थी और इसका टेस्ट बहुत ही यमी था, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह इसका टेक्सचर और कलर था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो। तो नान खटाई बनाने के बाद हम चले गए थे आउटिंग के लिए और थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी फैमिली और रिलेटिव्स हैं उनके लिए हमने चॉकलेट्स और कुछ और सामान लेना था। चॉकलेट्स की शॉपिंग हमने लास्ट डे के लिए रखी हुई थी, मगर उससे पहले हम आ गए थे दुबई फ्रेम। कोशिश बहुत की कि हम सनसेट से पहले दुबई फ्रेम पहुंच जाएं ताकि ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके हमें दुबई का नज़ारा बहुत खूबसूरत सा देखने को मिल जाए, क्योंकि दुबई फ्रेम के एक तरफ से ओल्ड दुबई और दूसरी तरफ से न्यू दुबई का लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्पेशली सनसेट के टाइम पर। मगर बाय द टाइम हम पहुंचे तो मगरिब हो चुकी थी और डार्क हो चुका था, तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर ऊपर टॉप फ्लोर पे नहीं गए और हमने नीचे ही वॉकिंग एरिया में ठंडी हवाओं के मज़े लिए। दुबई फ्रेम जिस पार्क में बना हुआ है उस पार्क का नाम है ज़बील पार्क। ज़बील पार्क एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है और यहाँ पे बारबेक्यू के एरियाज़ भी अलॉटेड हैं। लोग अपने साथ बारबेक्यू का सामान, चिकन वगैरह चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हैं और वहाँ जाके बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं। मगर ये एक्टिविटीज़ सिर्फ विंटर्स में ही होती हैं, क्योंकि दुबई के समर जो हैं वो बहुत गर्म होते हैं और वहाँ उस वक्त आउटडोर एक्टिविटीज़ का मज़ा नहीं आता। ज़बील पार्क की एंट्रेंस फ़ी जो है वो 5 दिरहम्स पर पर्सन है, तो यहाँ मेरे हस्बैंड काउंटर पर खड़े हुए टिकट खरीद रहे हैं एंट्री के लिए। ज़बील पार्क में इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं, जैसे लेक साइड बोटिंग, मिनी गोल्फ एरिया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, आउटडोर एक्सरसाइज स्टेशंस और साइकिलिंग का भी एक बहुत बड़ा ट्रैक बनाया गया है। यहाँ का बोटानिकल गार्डन बहुत मशहूर है। इन शॉर्ट ये जगह एक कम्प्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है जो टूरिस्ट और रेजिडेंट्स में बहुत मशहूर है। तो कुछ वक्त ज़बील पार्क में गुजारने के बाद हम चले गए थे डेरा सिटी सेंटर और जो शॉपिंग लिस्ट हम लोगों ने तैयार की थी हमने वो सारा सामान ख़रीदा और उसके बाद हम लोगों ने डेरा सिटी सेंटर के फूड कोर्ट से जो है वो मज़े का टी टाइम किया। सही, हमें क्या करना? और कुछ ऑर्डर करना? कह रहे 20 मिनट लगेंगे, रश बहुत चल रहा है ना। मैंने कहा कुछ और ऑर्डर करना, वहाँ पे ऑर्डर करना पड़ेगा सामने। सब बोलते जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो डेरा सिटी सेंटर में प्यारा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस आ गए थे घर और घूमते घूमते काफ़ी लेट हो गया था। तो बाय द टाइम हम घर पहुंचे तो शुक्र है कि खाना मेरा एज यूजुअल बना हुआ था और बस वापस आके हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम पैकिंग करने के लिए ऊपर रूम में चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे इन लॉज की फ़्लाइट थी और हमने आफ्टरनून में एयरपोर्ट के लिए निकलना था। इनको दादी पैक करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी सील पैक है, इसको टेप पे रखना, मगर वैसे ये भी पैक ही है। कैसी रख थाली में डाल, सुबह जाके ना मैं रात में वासे के लिए शर्ट ले आना, नहीं आ जाएगा इसमें। आप और भी चीजें अपना अगर कोई है, बल्कि अगर सुबह उठ जाओ तो मैं आपको ले जाऊंगा। ये सही है, ये सही है,
ये डिब्बा आ गया है वहां पे, वैसे भी काम हो जाएगा। हां अच्छा पक्का डिब्बा कब्जी के बनाया भैया जी, इधर आओ ये आपके लिए बिस्किट और चाय में खाते थे, ये आपके लिए चॉकलेट बनाई हो गया। पंपी का बहुत शौक था कि मैं वहां से लेकर आऊं। कोई दवाई चलाई ऐसी तो नहीं है जो आपको बाहर रखनी हो? वो तो मेरे पास है, नहीं तो मैं रखूं पास ही रखनी है। और जूतियां? जूती ये वाली पहन के जानी सही है, वो वाला स्वेटर पहनना और एक ग्रीन चप्पल आपके नीचे पड़ी हुई है। चलो बताओ दुबई का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। और बहुत अच्छा मजा है। कैसे गुजरा टाइम? मजेदार। तो जी यहाँ हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद बस अब हम सब बैठे हुए चिट चैट कर रहे थे और अब कुछ ही देर में हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। सब खामोश खामोश बैठे हुए थे और एक उदासी सी फैली हुई थी। जाहिर है इतना वक्त साथ गुजारने के बाद जब आपके अपने अलग हो रहे होते हैं तो दिल उदास हो ही जाता है, बट दिस इज़ लाइफ एंड वन हैज़ टू लिव विद इट। मगर साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन भी थी कि कुछ ही वक्त के बाद जल्दी ही ईद के मौके पर इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। तो जी यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और बाय द टाइम ये लोग कार में से सामान निकाल रहे थे मैं जाके लगेज वाली ट्रॉली ले आई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने लगेज जो है वो ट्रॉली के ऊपर सेट किया और हम एयरपोर्ट के अंदर चले गए। मगर मज़ा बड़ा आया, बहुत हमने बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा। बच्चे भी बहुत मिस करेंगे और ध्यान नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लगेज ड्रॉप कर फिलीपींस जा रहे हैं। क्या हुआ, कितना का कह रहे थे श्याम? कितने का? 40 ना, मैं मुझे पता था ना लास्ट टाइम हमने 50 कराची थी, पता कितनी के थे? हाँ ऑब्वियसली 200 के दोनों बैग हो गए। हाँ वहाँ पे यही है, इनके ना कवर्स ऑर्डर करते हैं आंटी, सूटकेस के ना का तो कवर है। हाँ कवर्स ले लें उनके, ये वो बेस्ट है, रैपिंग शॉपिंग से सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। हाँ और सूटकेस भी आपका सेफ रहेगा। अब घर में जब जाओगे उसके अंदर ये बड़े के अंदर ये छोटा आ जाए, छोटा डाल के बिल्कुल बिल्कुल करके ना स्टोर में रख दें, फिर जब निकलना हो तो। व्हील चेयर ले रहे हैं शायद, हाँ यहाँ पे व्हील चेयर मिल जाएगी ना, असिस्टेड पैसेंजर्स हैं तो आपको अंदर चलना नहीं पड़ेगा बहुत। तो यहाँ ये आगे मशीन्स लगी हुई ना, यहाँ से लगेज चला जाएगा आपका, फिर ज़्याम आपको व्हील चेयर पर लेकर आराम से जा सकता है। दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और मेरी मदर इन लॉ के लिए इतना ज़्यादा चलना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ से हम लोगों ने व्हीलचेयर बुक करवाई जो इनको प्लेन के अंदर तक ले जाएगी और फिर इसी काउंटर से जो है वो लगेज भी चेक इन हो गया। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसान हो गई थी और अब यहाँ पर हम बैठ के वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में। तो चलें जी, व्हीलचेयर वाला भी आ गया है और जो इनको अब प्लेन तक आराम से ले जाएगा। गुड न्यूज़ है नहीं है?
चलें ओके 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 बाय बाय अल्लाह हाफिज़ हाँ देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, स्पेशली नान खटाई की रेसिपी का। अगर वो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर बनाइएगा और उसके रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।